लेकर चलते हैं दूदू की ओर, जहां पर राजस्थान के खेल मंत्री संबोधन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के खेलने का प्रपोजल लाए थे और 20 करोड़ का बजट आया था। आपने कहा 3 नहीं 6 गेम कराइए, 15 नहीं 30 लाख लोगों को खिलाइए और 20 करोड़ नहीं 40 करोड़ बजट दूंगा, क्योंकि खेलेगा राजस्थान तभी तो फिट और हिट राजस्थान का निर्माण होगा। और पिछली बार 30 लाख बच्चे बच्चियों, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों जवानों ने उसमें भाग लिया और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका सबका नाम दर्ज होने वाला है। 58.5 लाख प्रतिभागियों ने पूरे राजस्थान में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया और जिसमें 24.5 लाख हमारी बहनें बेटियां हैं। 24.5 लाख 10 साल से लेकर 80 साल तक के प्रतिभागी हैं। ये बहुत खुशी की बात। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इस आयोजन को सभी विभाग के लोगों ने, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, प्रशासन सुधार हो, पीटीआई हो, प्रिंसिपल हो, सब ने जो दिल लगाकर शानदार आयोजन करा, मैं इस मंच के माध्यम से सभी विभाग के लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। निर्विवाद आयोजन, 57.5 लाख लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और इस मंच से समल दूदू वासियों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक बात चल रही है कि ये रिकॉर्ड कायम हो गया। लोग तो तहसील से जिला बने हैं, कोई उप तहसील से जिला बना है, कोई नगर पालिका से बना है, नगर निगम से बना है। दूदू एकमात्र जगह जो पंचायत से सीधा जिला बन गया। इसको आप छोटी मोटी बात मत मानना, ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, श्री बाबूलाल जी के ऊपर, दूदू के शहरवासियों के ऊपर, ग्रामीण वासियों के ऊपर कितना प्रेम है, कितना आपका भाव है कि एक पंचायत से उठाकर सीधा जिला बना दिया। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में दूदू का नाम रोशन हो गया इस बात के ऊपर, तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं श्री बाबूलाल जी नागर साहब कि आपने मुख्यमंत्री जी से पंचायत में जिला ले लिया। बाद में हमको ये महसूस हुआ कि शायद हम जिला भी मांग लेते तो हमको भी मिल जाता, आप इसमें आगे निकल गए, हम थोड़ा सा पीछे रह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।